Now, as shown in the figure, you can see that it is showing the circuit diagram of the delta type of structure. Okay, delta connection ये आपको दे रखा है. इसमें हम दोनों चीजें ली हैं, source भी delta है, load भी delta है. यहाँ पर we are just going to show that the voltage between any two lines is the line voltage VL. ठीक है, दो lines हैं, उनके बीच का जो voltage है वो line voltage है, A है और B है. इसके बीच का जो voltage है वो line voltage है, B C, इसके बीच का voltage line voltage है आपका. ठीक है, और सी ए के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज है आपका. ऑल राइट, सिंस द फेस कॉइल्स आर नाउ कनेक्टेड बिटवीन लाइंस, फेस कॉइल्स यहाँ लाइन के बीच में ही कनेक्टेड है, वी डोंट हैव एनी न्यूट्रल पॉइंट ओवर हियर, लाइन के बीच में ही कनेक्टेड, द फेस वोल्टेज इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज. तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज, ऑल राइट, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेस वोल्टेज. ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू द फेज वोल्टेज, मीन्स वी ए बी इज इक्वल्स टू वी बी सी इज इक्वल्स टू वी सी ए एंड दिस लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू द फेज वोल्टेज, मीन्स लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू द फेज वोल्टेज इन अ डेल्टा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. वेयर एज वी हैव स्टडीड द स्टार कनेक्शन, इन स्टार कनेक्शन वी हैव शोन ऑलरेडी, वी हैव शोन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज विच वॉज गिवन वॉट, वी एल वॉज गिवन रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी पी, यही आया था ना लास्ट लेक्चर में हमने. ठीक है, ये हमने शो किया था उसमें VL इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ VP एंड इन दैट लाइन करंट जो होगा वहां पर, वहां लाइन करंट होगा फेज करंट के बराबर और यहां पर लाइन वोल्टेज है आपका फेज करंट, फेज वोल्टेज के बराबर. सो वी विल गेट द, सो द डिफरेंस इज व्हाट, देयर वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज एंड हेयर इन द डेल्टा कनेक्शन वी विल गेट द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट एंड द फेज करंट. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, देन इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम फर्स्ट. ऑल राइट, जैसे वहां पर ऑलरेडी वी हैव टेकन VAB as a reference point. Again, we are going to take the VAB as reference point. All right. VAB, VBC, or VCA. ये आपका हो गया VAB, VBC, or V. सी ए. ठीक, दिस इज सिंपल. नाउ यू कैन सी दैट इन दिस सर्किट वी हैव लोड, ये आपका लोड है, तो ये आर और एल सर्किट है, आर एल सर्किट. जब आर एल सर्किट है तो करंट इसमें थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है, फाई एंगल. तो अब और करंट जो होगा वो आपका वोल्टेज से कम होगा ड्यू टू द इंपीडेंस. ऑलराइट, सो जब वी ए बी ए है तो इसका करंट जो होगा वो थोड़ा सा लैग करेगा, ये आपका करंट होगा इसमें, आई ए बी करंट आपका जो होगा वो ये होगा, लोड में आपका वी हैव शोन दैट विद कैपिटल लेटर्स. ऑलराइट, ये आपका आई ए बी होगा और ये आपका फाई फेस एंगल होगा बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. ठीक, नाउ 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 फर्स्ट लेट्स ड्रॉ, लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर दैट. नो, तो अगर हमारे पास वी ए बी एज अ रेफरेंस वोल्टेज ले लिया है हमने, ठीक है, रेफरेंस. ऑलराइट, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका करंट होगा आई ए बी, आई ए बी करंट सिंपली क्या होता है आपका, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज वी ए बी अपॉन द इंपीडेंस, ये तो होगा सिंपली. ये आपका क्या हो जाएगा, वी एल लाइन वोल्टेज है, ये लाइन और फेज वोल्टेज दोनों बराबर ही हैं, एंगल जीरो अपॉन जेड पी एंगल फाइव, दिस वॉज गिवन ऑलरेडी. ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप यहां लिखें वी एल अपॉन जेड पी दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ फाइव. ठीक, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपको लिखना है आई बी सी, बी सी क्या होगा, बी सी अगेन वी बी सी अपॉन जेड पी. ठीक, जेड क्या है, अब वी बी सी जो है, वी बी सी जो होगा वो आपका 120 डिग्री पीछे होगा इससे,
120 degree apart upon ZP angle phi. ठीक, ये आपका जो निकल कर आएगा ये क्या आएगा, VL अपॉन ZP माइनस 120 डिग्री माइनस फाइव. ठीक, सिमिलरली इफ यू मूव फॉरवर्ड ICA ये क्या हो जाएगा आपका, VCA अपॉन ZP दिस विल बी इक्वल्स टू VL एंगल 120 प्लस 120 ले लिए या माइनस 140 लेते दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो जाएगा आपका ZP एंगल फाइव, ये हो जाएगा आपका VL अपॉन ZP शुड बी इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस फाइव. ऑलराइट, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट. नाउ लेट्स अप्लाई द KCL. KCL एट पॉइंट A, कैपिटल A. इस पॉइंट पे KCL आप लगाई है. यहां पर जब आप KCL लगाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका करंट आ रहा है आई ए स्मॉल ए कैपिटल ए. ठीक, ऑलराइट, ये करंट आपका आ रहा है. यहां आपका करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई ए बी, ए और बी के पॉइंट बीच में आई ए बी फ्लो करेगा. यहां आपका क्या फ्लो कर रहा है, आई सी ए. यहां आपका सी और ए के बीच में आई सी ए फ्लो करेगा. ठीक है, यहां जब आप KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट. यहां देखिए इनकमिंग करंट क्या है, ये इनकमिंग करंट है, ये इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग करंट है. तो वी आर जस्ट अप्लाइंग द KCL एट पॉइंट दिस एंड व्हाट विल बी व्हाट द रिलेशनशिप विल बी गेट, वी विल गेट द रिलेशनशिप अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए वी गेट what we get I small a capital A ठीक plus incoming current I C A capital C. all right, this should be equals to I A B. all right, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, just reshuffle it, I small a capital A this will be equals to I A B minus of I C A और इसको लिख सकते हैं आप आई ए बी प्लस ऑफ माइनस आई सी ए. ऑलराइट, आई ए बी प्लस माइनस ऑफ आई सी ए. ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आई स्मॉल ए कैपिटल ए. ऑलराइट, तो मींस लाइन करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज फेज करंट्स आई ए बी प्लस ऑफ माइनस आई सी ए. सो लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस. तो यहां से हमें क्या मिला था, हमें यहां आई ए बी कैपिटल आई ए बी मिल गया था. ठीक है, ये आई सी ए है आपका, इससे 30 डिग्री लैग करेगा आपका कौन, ठीक है, ये करंट, ये कौन सा करंट है आपका, ये आई सी ए है. ठीक है, सी ए सी ए. ऑल राइट, यहां है तो यहां 30 डिग्री लैग करेगा आपका आई बी सी. ठीक है, नाउ व्हाट यू वांट, वी वांट आई ए बी एंड आई सी ए. ठीक, आई ए बी है, आई सी ए ये है, हमें क्या मिला है, आई ए बी प्लस ऑफ माइनस आई सी ए. तो ये प्लस आई सी ए ये है, इसका माइनस आई सी ए ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां मिलेगा आपको. ठीक, ये हो गया आपका माइनस ऑफ आई सी ए. ऑल राइट, यहां अब आप इसको ये कर दीजिए, दिस बिकम व्हाट, जून बाय पॉइंट एफ. ऑल राइट, दिस विल गिव यू लाइन करंट आई स्मॉल ए कैपिटल ए. सो यू गेट दिस यहां से, ओके, दिस इज व्हाट, अगर यहां इसको लिखें आई स्मॉल ए कैपिटल ए द लाइन करंट शुड बी इक्वल्स टू द फेजर सम ऑफ आई ए बी एंड आई सी ए रिवर्स्ड. ऑलराइट, व्हाट यू व्हाट एल्स यू कैन राइट, फेजर ओ एफ, इट इज बिकम फेजर ओ एफ,
this is point O, this is point F. All right, phasor OF, which is equals to OF from the reference line minus 30 degree. ठीक, ये निकल कर आया आपका. यहां पर draw perpendicular KM on OF. ठीक, KM on OF. OF आपका ये है. ठीक, यहां पर आपने perpendicular डाला. ये K पॉइंट है आपका, ये आपका F पॉइंट हो, सॉरी F इज ऑलरेडी देयर. ये आपका M हो गया. ठीक है, KM. नाउ इन ट्राइंगल OKF, इन ट्राइंगल OKF, OK is equals to KF, isosceles triangle है simply. यह आपका है phase current, ठीक है, IP है, and OF क्या है आपका, OF है आपका I small a capital A. ये क्या है, line current IL. ठीक है, तो line current phase current के बीच का relationship कैसे निकल आएगा. Now you can see that OF is equals to twice of OM. Triangle में आप देखेंगे तो OF is equals to twice of OM. ठीक, which is equals to twice of OK cos 30 degree. Which is equals to OK is what? OK is your IP, phase current. Cos 30 is root 3 by 2. This will give you root 3 into IP, and OF is what? OF is your line current, means IL is equals to root 3 times IP. Line current is equals to root 3 times of phase current. Alright, so thus we see that in a balanced delta connected system, the magnitude of the line current is equal to the root 3 times of the magnitude of the phase current. So this is what the relationship we want. And in a similar manner, similarly, you will get, before this, what we have written, I small a capital A, this will be equals to what? This will be equals to what? OF. So what we get? Line current. All right, I small a capital A should be equals to OF minus phi minus 30. So from here you can see that it should be equals to what? OF is IP. Root 3 IP minus phi minus 30 degree. Alright, in a similar manner we can find out IBB. Okay, this should be equals to what? Root 3 times IP minus 150 minus phi. And similarly ICC, which will be equals to what? Root 3 times IP 90 degree minus phi. Alright, so it is found that the line current are of equal magnitude and have phase angle of 120 degree between them. So this is simply the relationship between the phase current and the line current in a delta connection. Alright, so this is all about the delta connection. Thank you. Thanks a lot.